हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो किसी भी स्टॉक की शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होता है, जो प्रमोटर होल्डिंग होती है, वो कैसे चेक करते हैं, और किसी भी स्टॉक का जो शेयर गिरवी रखे गए हैं किसी और के पास उधार के पैसे ले करके, उसको हम कैसे चेक करें। अगर किसी भी स्टॉक में आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो दो क्राइटेरिया ज़रूर आपको फॉलो करना है। पहला नंबर ये कि आपको जो प्रमोटर होल्डिंग है ये कम से कम 40-50% से ऊपर होनी चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमें देखना होता है कि उस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो अपने शेयर को किसी के पास गिरवी तो नहीं रखे गए हैं, पैसा लेकर वहाँ से उधार तो नहीं आए हैं कि अगर मैं आपके पैसे को पे नहीं कर पाऊँ या आपका पैसा वापस नहीं लौटा पाऊँ तो आप हमारे शेयर को बेच देना। ये बैंकों में अप्लाई नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि अगर HDFC बैंक में प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत कम होगा। एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में ये प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 20-30% भी हो सकती है बैंकों में, तो ये रूल बैंकों में फॉलो नहीं होता है। और बाकी अदर कोई भी कंपनी है किसी भी सेक्टर की, तो आप लोग उसमें दो चीज़ जरूर चेक कर लिया करिए अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि HDFC बैंक का प्रमोटर होल्डिंग कितना है, ठीक है। और ये प्रमोटर होल्डिंग में जो बता रहा था पहले कि किसी भी कंपनी का अलग हो बैंक के बाहर का, तो ये क्यों होना चाहिए 40-50%, क्योंकि कंपनी के मालिक को अगर लगता है कि मैं अपनी कंपनी को ग्रो करा पाऊंगा तभी वो अपने कंपनी के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखता है। जब उसे अपनी कंपनी के ऊपर ही भरोसा नहीं होता है तो वो उसके शेयर होल्डिंग जो होता है वो अपने पास कम रखता है। तो जब उसके पास ही शेयर नहीं है, उसे ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो हम क्यों उसकी कंपनी पर भरोसा करने जाएँ, जहाँ पर देखते हुए कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 30% का है फिर भी हम अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क होता है। और उसके बाद भी काफ़ी सारे लोगों को देखने को मिलता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% है लेकिन गिरवी रखे गए शेयर वहाँ पर 20% है, तो इस क्राइटेरिया में भी आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप लोग को ध्यान से देखना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टॉक हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख लेते हैं और उसके शेयर गिरवी रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, इस बात को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने NSE इंडिया की वेबसाइट खोलकर रखा है और यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन आता है, ये पुराना वाला वर्जन है, अभी नया वाला वर्जन आ गया है NSE इंडिया का। तो अगर आपको नया वाले में प्रॉब्लम आती है तो ये पुराना वाला आप चेक कर सकते हैं। इसको कैसे चेक करते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टॉक का नाम डालूंगा, किसी भी स्टॉक का। चलिए मैंने HDFC बैंक का ही डाल लिया यहाँ पर। और तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक का मैंने स्टॉक खोल लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो ये कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पर देखिए HDFC बैंक का है, काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए एक कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ येलो वाले बोर्ड में यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, आप लोग कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन और आते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चेक करते हैं कि इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप मात्र 26% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास, ठीक है। और उसी तरह हम दूसरे किसी स्टॉक में देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि चलिए मैं आप लोगों को रिलायंस के ऊपर दिखाता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैंक पर फॉलो नहीं होता है, तो ध्यान से आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किसी और सेक्टर में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी दो चीज़ जरूर देख लेना, शेयर होल्डिंग पैटर्न और दूसरी चीज़ कि कंपनी के शेयर कहीं गिरवी तो नहीं रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने स्टॉक खोला है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन पे, तो हमारे सामने एक और नया पेज खुलकर आता है, यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट और शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैं क्लिक करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग है ये 50% है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि 40-50% के ऊपर हो तो और अच्छी बात है, जितना ज़्यादा हो अच्छी बात है। तो यहाँ पर 50% ठीक ठाक है, 40% के भी ऊपर रहती है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए रिलायंस की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगभग 50% है। और दूसरी चीज़ हम लोग इसी में देख सकते हैं कि उसके शेयर किसी और के पास गिरवी तो नहीं रखे गए हैं ना, तो उस बात को हम लोग कहाँ से चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके शेयर गिरवी रखे गए हैं या नहीं। तो इसके नीचे आइए आप लोग, देखिए ये जो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक किया था ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न का पेज खुल कर आया था, उसके बाद इसी में और नीचे जाइए
तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक प्रमोटर प्लेज डिटेल आता है, एक कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आता है। तो हमको प्रमोटर प्लेज डिटेल्स पे करना है, तो ये हमारा सामने एक और पेज नया खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए वाले कॉलम में है आपका 50% कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो है, बी वाले कॉलम में 0 है और सी वाले कॉलम में 0 है। तो बी वाले का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, और सी वाले का मतलब भी होता है, यह नीचे दिया गया है। तो सी वाले कॉलम में हमेशा हमें देखना है कि ये 0-0 होना चाहिए, बी और सी दोनों हमें 0-0 होना चाहिए, तो मतलब इसके शेयर भी किसी के पास गिरवी नहीं रखे गए हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर ये जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन NSE इंडिया थोड़ा सा ठीक है, आपको इजी टू यूज होता है और आराम से आप 2-3 क्लिक में ही दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप भी हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल प्लस इंट्राडे की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और दोस्तों, अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।